सोच समझ कर ये फैसला किया है कि तुम अभी अपनी माँ के घर रहो। मैं तो वापस आ गई हूँ और अपने कमरे में हूँ। तो फिर जिन कदमों से आई हो उन्हीं कदमों से वापस चली जाओ। मुझ पर रहम करें आप, मेरी तो माँ भी नहीं और तो भाई भी नहीं रहा। तुम तो वाकई बहुत मक्कार हो। मैं तुमसे आज एक सच कहने आई हूँ सैफ। कैसा सच? कॉलेज के जमाने में सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी तुमसे प्यार करती थी। इससे पहले कि मैं बदतमीजी पर उतर आऊं, निकल जाओ यहां से। क्या हुआ, कुछ कहना चाह रही हो? हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी कि सच बताना तुम्हें मेरा साथ कैसा लगता है। मेरा मतलब है, क्या तुम मेरी कंपनी एंजॉय करते हो? यार सुंदस, मेरे साथ ना कोई नफसियाती मसला है। जैसे ही प्यार भरे मूड में हूँ तो अंग्रेजी के अल्फाज बिल्कुल भी मुझे अच्छे नहीं लगते। जैसे कि अंग्रेजी फूलों में वैसी खुशबू नहीं होती जो कि हमारे मशरकी फूलों में होती। इसी तरह प्यार भरे मूड में अंग्रेजी के अल्फाज ना बिल्कुल भी मजा नहीं करते। अरे ऐसे जैसे मौसम को मौसम कहने में जो मजा है ना, वो वेदर कहने में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक कह रहे हो, लेकिन ये मेरी बात का जवाब तो नहीं हुआ। कितनी खूबसूरती से तुमने मौजू ही बदल दिया। अरे तुम्हारी बात का जवाब देने में मैं कोई एतराज कर सकता हूँ? हाँ, बस इस तरीके से सवाल पूछो जिस तरीके से मैं सुनना चाहता हूँ, या ऐसे सवाल पूछो कि मेरा जवाब देना लाजिम हो जाए। अच्छा तो फिर ये बताओ कि क्या मेरे साथ होने से तुम्हारे दिल के तार छिड़ जाते हैं? क्या तुम्हारे मन गीतकार है? अरे ये हुई ना बात। तो फिर इसी जबान में जवाब दो। देखो सुंदस, मुझे शायरी तो नहीं आती है, लेकिन मेरे और तुम्हारे दरमियान जो कुछ भी है, मालूम नहीं कि वो प्यार है या नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें मैं फूलों का जेवर पहनी हुई कैसी लगूंगी? मैंने आज तक लड़कियों को सिर्फ फिल्मों में ही ये फूलों के जेवर पहने हुए देखा है, या फिर तकरीबात में, या फिर दुल्हन बने। मैंने आज दिन तक किसी लड़की को इस तरह से फूलों के जेवर पहने हुए नहीं देखा। तो फिर एक काम करते हैं, आज वापसी में जाते हुए ना तो मुझे फूलों का जेवर दिलाना। क्या तुम पहनना चाहोगी? हाँ, मैं तुम्हें पहन के दिखा दूंगी। पक्का? मैं समझ रही थी कि रात की इस खामोशी में वो बोल पड़ेगा, मगर वो बोला भी तो लान तान करने को। बस गई थी उसके दिल में प्यार टटोलने को, उल्टा अपना इंप्रेशन खराब करके आ गई। ऊपर से मेरे प्यार की जगह वो तो किसी और के प्यार की कहानी सुना रहा था। अब ये सेक्रेटरी कौन है? वो मुझे बस टालने को झूठ बोल रहा है। एक्चुअली वो बात समझ ही नहीं रहा, उसके सर पे तो बस माँ और बेटे का रिश्ता सवार हो गया। बहरहाल कुछ भी हो, मुझे उसे असल बात बतानी होगी। अब मुझे सैवी को प्यार से कन्विंस करना होगा। थक गए ना आज काफी? हाँ, लेकिन हमने आज बहुत एंजॉय किया। ओ मशरक की ज़बान में मैं कहूँ तो तुम्हारे और मेरे प्यार के पल। वैसे आज मैंने भी बहुत एंजॉय किया। तुम पता है तुम फूल पहन के कितनी प्यारी लगती हो? पर आज इतने टाइम के बाद हम लोगों ने डिनर भी इकट्ठे किया। ज़ोहे, मुझे अकेला छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? हाँ सुंदस, पापा घर पे नहीं है और मामा भी अकेले हैं, तो मुझे थोड़ी उनकी टेंशन हो रही है। आजकल के हालात इससे तो मुझे एक ही गाना याद आता है, चलता। ज़ोहेब, प्लीज ना जाओ ना, रुक जाओ। ओके चलो, नहीं जाता, ठीक है। अच्छा फिर तुम अभी बैठो।
मैं तुम्हारे लिए फटाफट एक गर्म प्याली चाय बना कर लाती हूँ। हेलो जी मामा, अस्सलाम वालेकुम। मामा वो मैं आज नहीं आ सकूंगा, एक्चुअली मेरे एक दोस्त की तबीयत ख़राब है, तो कल मैं यहीं से कॉलेज चला जाऊंगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। ओके मामा, गुड नाइट। मरीज़ कम से कम अपना एटीट्यूड तुम उसे चेंज मत करो। आप शायद भूल रहे हैं, कल हमारे दरमियान कुछ बातें हुई थी, कुछ शरायत तय हुई थी, उन्हीं शरायत की वजह से मैं आज यहाँ ऑफिस आई हूँ। अच्छा चलो ठीक है, हम कहीं बाहर चलते हैं और इस बारे में तफसीलन एक बार गुफ्तगू करते हैं। ठीक है चलो, आओ कॉफ़ी पी के। हरगिज नहीं, मैं अब आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। हमारे दरमियान अगर कोई बात होगी तो सिर्फ काम के बारे में होगी। और मैं आपके साथ कहीं बाहर नहीं जाऊंगी। इसका मतलब है अब तुम मेरे साथ बिजनेस मीटिंग्स में भी नहीं जाओगी? नहीं, ऑफ कोर्स मीटिंग्स में तो जरूर जाऊंगी, मेरे काम का हिस्सा जो है, लेकिन या तो पब्लिक कन्वेंस में या फिर ऑफिस की गाड़ी में, आपके साथ नहीं। ओके ठीक। मजबूर हुए हम यू अब आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। हमारे दरमियान अगर कोई बात होगी तो सिर्फ काम के बारे में होगी। और मैं आपके साथ कहीं बाहर नहीं जाऊंगी। इसका मतलब है अब तुम मेरे साथ बिजनेस मीटिंग्स में भी नहीं जाऊंगी? नहीं, ऑफ कोर्स मीटिंग्स में तो जरूर जाऊंगी, मेरे काम का हिस्सा जो है, लेकिन या तो पब्लिक कन्वेंस में या फिर ऑफिस की गाड़ी में, आपके साथ नहीं। हेलो, गुड मॉर्निंग। अदा तुमने मुझे क्यों फोन किया? अब तो मुनासिब वक्त है, ढंग से बात कर लो मुझसे। अदा जब मैंने कह दिया मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं करनी। सैवी प्लीज, बस एक बार मेरे साथ बाहर चलो, चाय कॉफी पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। किस मट्टी की बनी हो? मैंने तुमसे कहा मुझे तुमसे कोई रابطہ नहीं रहा, सो बराए मेहरबानी मुझे फोन करके तंग करना बंद कर दो, समझी तुम? लेकिन सैवी, अब कौन सुनेगा किसको? हम तो खुद से भी सुंदर कशिश तुम में भी है और तुम्हारे साथ बिताए हुए सारे लम्हों में भी, लिहाजा तुम ऐसी कोई भी बात नहीं करोगी जिसे मेरे लिए मानना मुश्किल हो जाएगा। ओके ये शर्ट सैवी को दे दिएगा, सुना है कि तोहफे देने से मोहब्बत और बढ़ जाती है। सेवी जितनी तुमसे नफरत करता है ना, ये तोहफा उसकी नफरत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मुझसे और मेरे बेटे से अपने ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश मत करो और इस घर में अपना असर और शोर बढ़ाना बंद करो।
क्या कल जो तो वक्त तुमने मेरे साथ गुजारा उसमें इतनी कशिश थी कि आज तुम दोबारा मेरे पास आ गए। सुंदर कशिश तुम में भी है और तुम्हारे साथ बिताए हुए सारे लम्हों में भी, लेकिन इंसान के साथ कुछ मजबूरियां जुड़ी हैं ना। मैं इंसान को नहीं, तुम्हें कल शाम को दोबारा बुला रही हूँ सुहेब। क्या मतलब, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरा ये मतलब नहीं था, प्लीज सुहेब कल शाम आ जाओ ना। सुंदर ऐसे मैं तुम्हें बहुत प्यारा दोस्त समझता हूँ, आई मीन टू से कि तुम अब मेरे निकाह में हो, इसलिए तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि मैं अभी अपने पाँव पे खड़ा नहीं हुआ, और सेकेंडली मैं अपने माँ बाप को कोई दुख नहीं देना चाहता, बल्कि दुख तो क्या, मैं इनको किसी किस्म का हार्ड टाइम नहीं देना चाहता। लिहाजा तुम ऐसी कोई भी बात नहीं करोगी जिसे मेरे लिए मानना मुश्किल हो जाएगा, ओके? डोंट बी डिसर्ट सुंदर, मैं जल्दी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके सेवी को ज्वाइन कर लूँगा, और फिर जब मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँगा तो तुम दोनों के खर्चे भी उठा सकूँगा, और फिर घर से इस तरह से बाहर निकलने पे पेरेंट्स भी नाराज़ नहीं होंगे। You got it ना? ठीक है, आईना में तुम्हें कभी इंसिस्ट नहीं करूँगी। That's like a good girl. अच्छा चलो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आती हूँ। चलो। हेलो, कहो। वो हुमायूं ने मुझे कुछ पैसे दिए थे शॉपिंग के लिए जाते हुए, आज शॉपिंग की तो मैं आपके लिए साड़ी और सेवी के लिए एक शर्ट लाई हूँ। क्यों, मेरे पास साड़ी की कोई कमी नजर आ रही है तुम्हें? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लाई हूँ। मुझे नहीं चाहिए, तुम रख लो, जब पहनने का जी चाहे तो पहन लेना। अच्छा प्लीज मेरी खुशी की खातिर रख लें। मैंने कहा ना नहीं। तो ये शर्ट सेवी को दे दिएगा, ये कह के कि मैं उसके लिए गिफ्ट लाई हूँ। ये सेवी को तोहफा देने की क्या सूझी? सुना है कि तोहफे देने से मोहब्बत और बढ़ जाती है। कुछ ताल्लुकात की कशीदगी इतनी गहरी होती है कि तोहफा देने की गुंजाइश नहीं होती, और वैसे भी सेवी जितनी तुमसे नफरत करता है ना, ये तोहफा उसकी नफरत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप मुझे डिसार्ड कर रही हैं? ऑफ कोर्स, इसलिए कि मुझसे और मेरे बेटे से अपने ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश मत करो, और इस घर में अपना असर और सोग बढ़ाना बंद करो। जाओगी या जाने को कहूं? जी मनीषा, अनवर एंटरप्राइजेस की जो तमाम केस हिस्ट्री है वो लेकर आई है, उसके बाद उनकी जो नई ऑफर्स हैं मुझे आपसे डिस्कस करनी, प्लीज रूम में आइए। जी सर, लाती हूँ। क्या सेक्रेटरीज बॉस के रूम में मुंह बना कर आती? आप शायद भूल रहे हैं, हम ये प्रोजेक्ट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बल्कि कोटेशंस भी भेज चुके हैं क्लाइंट को। I'm sorry, शायद मैं भूल गया, कोई बात नहीं, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। तशरीफ रखिए। भूल तो आप ये गए हैं कि आपका स्टेटस क्या है, स्टैंडर्ड क्या है,
अपने तबके को भूल गए हैं आप, और भूल तो आप मेरी गुर्बत को गए हैं। मेरा ख्याल है हम इस गुर्बत के सब्जेक्ट पे पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। अच्छा, ये तो याद है आपको कि हम पहले भी इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं, और इस फाइल को भूल गए आप। तुम ठीक कह रही हो, मैंने तुम्हें यहाँ बहाने से बुलाया, अगर ऐसे बुलाता तो तुम यकीनन नहीं आती। सेवी, आप क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं समझते आप कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इन चंद ही दिनों में मुझे आपसे शिद्दत से मोहब्बत हो गई है। एक दिन तो क्या, एक पल भी अगर आपको ना देखूं ना तो मेरा दिन नहीं गुजरता, और ऐसे में अगर आप मुझसे जुदा हो गए तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, यकीन मानिए मैं मर जाऊंगी। तो क्या बात है मनीष, जब तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो क्यों दूर जा रही हो उससे? खुद भी तड़प रही हो और मुझे भी तड़पा रही। अच्छा, अभी छोड़िए सब कुछ, हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं कुछ काम कर रही थी। तो फिर हम कब बात करेंगे इस बारे में? शाम में। पक्का? पक्का। मैं जाऊं? श्योर। और अगर आप कहें तो ये फाइल भी ले जाओ। ठीक। अच्छा सुने जी, क्या हम अभी बात कर सकते हैं? आप भी काम करें और मुझे भी काम करने दें। As you wish। काम करें अपना, मुझे भी करना है। थैंक यू।